झट से बहुत कुछ सीखना है टी आर एस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार आपसे मिल रहे हैं इस पॉडकास्ट के तो और बहुत कम लोग होंगे ऐसे ऑनेस्टली आई फील राइट पर आ, उनके लिए हम एक सेक्शन करने वाले हैं जहां आप बहुत झट से hmm. अपने करियर की स्टोरी प्लीज शेयर करें दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑफ यू बिकॉज फॉर मी व्हेन आई फर्स्ट हर्ड योर करियर स्टोरी आई थॉट वाज वेरी क्रेजी कि आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम किया नॉट एज़ एन आर्टिस्ट उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है उसके पहले आपका एक दूसरा रैप का अवतार था हुँ, प्रोस्पेक्ट हुँ, यंग प्रोस्पेक्ट राइट एंड नाउ योर कृष्णा राइट तो रीइंवेंशंस हुए इट्स नॉट अ रेगुलर रैपर्स करियो या इट्स नॉट एक बार आप बता देंगे कि क्या हुआ आपकी लाइफ में मैंने स्टार्ट किया था लिखना क्वाइट अर्ली इन लाइफ मे बी 14 साल 15 साल की उम्र पे 14 साल की उम्र पे Uh, वहाँ से बस थोड़ा सुनने से शौक आ गया सुनता था रैप म्यूजिक शौक आया ट्राई किया फिर लगा शायद कर सकता हूँ तो फिर जब स्टार्ट किया कुछ ज़्यादा सीन नहीं था इंडिया में तो बिल्कुल सीन नहीं था तो मैंने क्या किया मैंने आई जस्ट कैप्ट एज अ पैशन कि मैं करता रहूँगा कोई बात नहीं देखते हैं क्या होता है कॉलेज पहुंचा कॉलेज में मेरे को मेरे एक दो दोस्त मिल गए जिनको रैप अच्छा लगता था तो मेरे को लगा अच्छा लोग हैं ऐसे जो जिनको अच्छा लगता है रैप तो हमने थोड़ा सा क्रू छोटा सा बनाया ये वो और तब उनकी इनक्रेजमेंट से मैं रिकॉर्ड करने लगा और जब रिकॉर्ड करने लगा देन वो फिर एडिक्शन बन जाता है क्यों बिकॉज यू हेयर योर सेल्फ ऑन द माइक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू लाइक अच्छा मतलब मैं कर सकता हूँ इट माइट नॉट बी द बेस्ट कि ये बहुत अच्छा नहीं था बट वो थोड़ा सा एक उसमें एक पॉजिटिव रि एफर्मेशन टाइप आ जाती एक मिनट थोड़ा सा हाँ, करना है हाँ. क्या रैप का कोर राइटिंग होता राइटिंग एंड डिलीवरी विद फ्लो एंड ऑल ऑफ दैट पुट इन दोनों ही बट राइटिंग का भाव सबसे ज्यादा होता है वो रैप का कोर है अकॉर्डिंग टू उसकी शुरुआत कब हुई फोर्टीन ओके okay. अराउंड फोर्टीन में लिखना स्टार्ट किया बट मैं मतलब बहुत कुछ डीप नहीं लिख रहा था बट इट वॉज द लाइक द ब्रेन वेव टू के ये ये ऐसे राइम कर सकते हैं ये ऐसे बोल सकते हैं और जो टेक्निकलिटीज आती हैं रैप में वो सब समझने लग गया था ऑलरेडी तो उधर से फिर फास्ट फॉर्वर्ड टू वेन आई वोज इन कॉलेज तो मेरे दोस्त वोस्त मिले हमने रिकॉर्ड विकॉर्ड किया देन इट बिकेम के अच्छा ये मैं करना चाहता हूँ बट कोई रास्ता नहीं था इंडिया में तो दूर दूर तक नहीं था तो किया मैंने फिर मैं बॉम्बे आया बॉम्बे मूव किया मैंने पोस्ट के लिए मैं जब बॉम्बे पहुंचा तो मैंने ना तीन चार गाने बनाए हुए थे ठीक है एज अ डेमो सीडी डी मेरे को लगा यार मैं लेबल को देता हूँ जाके और मैं इनो you know, कैसे होते हैं यार सपने होते हैं कि मैं लेबल को दूंगा लेबल बोलेगा वाह क्या गाने और साइन कर देगा <laughs> तो मैं गया लेबल के पास मैंने दिए भाई पहले तो सी डी नहीं चले ठीक है मैंने फिर छोड़ दिए एक इस एग्जेकटिव के पास उस एग्जेकटिव ने ले ली सी डी कि मैं हाँ सुन के बताता हूँ ठीक है मेरी कंप्यूटर पर चल जाएगा सुन के बताता हूँ हफ्ता निकल गया डेढ़ हफ्ता निकल गया मैं मैसेज किए कॉल किया जवाब नहीं दे रहा फिर दो तीन हफ्ते बाद वो शायद फ्रस्ट्रेट हो गया मेरे कॉल्स और मैसेजेस से और उसने बोला हाँ मैंने सुन लिया इट साउंड्स टू इंटरनेशनल फॉर इंडिया और मैं मेरे लिए मैं कई बार बोल चुका हूँ इट वॉज अ शॉक बिकॉज कोई बोलता है कि दिस इज टू इंटरनेशनल वो जनरली पॉजिटिव होता है इट्स नॉट अ नेगेटिव बट उसने एक नेगेटिव तरीके से बोला 2010 की बात है दिस इज नो दिस इज 2008 ओके okay. सेवन एट अब क्या आप मानते हो कि इट वॉज टू इंटरनेशनल फॉर इंडिया नो एट नहीं not. He was his judgment. I'll tell open. you why. I'll tell you this story has an end. Okay. Go on. मैंने फिर मैंने क्या किया मैंने बोला अच्छा अब ये लोग ऐसे दूसरे लोगों को साइन करते हैं मुझे क्यों नहीं साइन करते ठीक है तो मैं गया एज अ इंटर्न मैंने बोला मेरे को नौकरी दिलाओ इंटर्न जैसे दे दो कोई मतलब जो भी रोल है आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मेरा मोटिव था कि आई वॉन्ट टू टू अंडरस्टैंड कि मेरे में डिफरेंस क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है जो साइन हो गया hmm. right? मैंने किसी तरह थ्रू कॉन्टैक्ट दिस दैट दिस दैट एक इंटर्नशिप ले ली उसी लेवल पे ठीक है और मैं गया अब उसका कोलिग बन के <laughs> और उसने थोड़ी बहुत दोस्त, दोस्ती दोस्ती वोस्ती भी कर ली मुझसे और मैं समझ गया कि उसमें बेसिकली मैं जब वहाँ गया तो मैं समझा कि उसमें कुछ भी नहीं था कोई मेथड नहीं था बोलते ना इंग्लिश में नो मेथड टू द मैडनेस इट वाज जस्ट के गट फील मतलब पता नहीं किस बेसिस पे सिलेक्ट हो रहे थे कि ये चल रहा है तो ठीक है यू नो इट वाज तीन महीने में मैंने अपना एक गाना रिलीज भी करवा दिया तीन महीने में ठीक है अब उसके कुछ छ महीने बाद वो जो बंदा था छ महीने या साल बाद वो छोड़ के जा रहा था ठीक है कंपनी वो जब छोड़ के जा रहा था उसने अपना डेस्क वेस्क साफ किया ये किया वो किया सबसे नीचे मेरी सीडी थी जो मैंने दी थी ठीक है और उसने जाते जाते मेरे को दे दी और वो सीडी कभी खुली भी नहीं थी उसने कभी सुनी नहीं वो सीडी। तो उसने जो मेरे को बोला वो के इसके गाने ऐसे होंगे उसने कभी नहीं सुना तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो सच नहीं था ऑब्वियसली क्योंकि थे तो उसको लगा होगा क्या पता इंग्लिश में रैप हो क्या होगा हिंदी में थे रैप तो दैट वॉज अ बिग सॉर्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट फॉर मी जब मैं समझ गया कि ये इंडस्ट्री चलती कैसे इट इज़ मोर अबाउट नेटवर्किंग बातचीत ये वो देन एक्चुअल टैलेंट और समथिंग लाइक दैट ऑब्वियसली होता है कि टैलेंट अब के डेट में तो यूट्यूब पे टैलेंट आ जाता है एंड पीपल कैन मेक दम सेल्व यू नो बट उस टाइम पे ऐसा इतना नहीं था 2010 में मैंने यूट्यूब पे एक गाना डाला जिसका नाम था कैसा मेरा देश कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे इंडिया में और बुरा हाल था मतलब वर्ल्ड मीडिया ने हमारा मजाक बना दिया था तो मैंने एक गाना बनाया जिसका नाम था कैसा मेरा देश विच आई कॉल्ड अनऑफिशियल एंथम ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स और डिस किया कॉमनवेल्थ गेम्स को मैंने बेसिकली जो दुन, जो इंडिया सोच रहा था ना हा? वो मैंने लिख दिया हाँ? गाने गाने ये फेस याद है हाँ और के लिए ये बहुत इंसल्टिंग फेस था इंडिया के लिए हाँ जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव या बहुत ज्यादा एंड हाँ? वो जो मैंने देखा जो 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 माहौल था उसके अकॉर्डिंग मैंने गाना बनाया और डाल दिया और मैंने अपलोड किया और मैं सो गया और अगले सुबह सडनली आठ हज़ार व्यू और ये 2010 की बात है यूट्यूब नया नया आया था आठ हज़ार व्यू किसी के नहीं आते थे ठीक hmm. है और मेरे को वहां बैज आ गया नंबर टू इन इंडिया लाइक वॉट लाइक ये कैसे हो गया एंड देन नेक्स्ट थिंग आई नो हर न्यूज़पेपर में आर्टिकल के ये वो दैट वॉज लाइक अनदर पॉइंट वेर आई वॉज लाइक अच्छा तो मतलब शायद मैं रैप कर सकता हूँ hmm. और शायद ये करियर बन सकता है बट मैं प्रिपेयर्ड नहीं था दैट इज ऑल्सो फैक्ट कि मैंने वो गाना तो बना दिया था बट मैंने क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका कुछ होगा मेरे को पता नहीं था अगला क्या करना चाहिए यू नो स्ट्राइक वेल द आय हॉट वो वाला सिनेरियो आया एंड आई डेंट द आयन व्हेन इट नीडेड टू बी हॉट यू नो सो उस सिचुएशन में काफी टाइम और लग गया फिर मैं साइन हुआ फाइनली 2013 में फिर में तो 2000 जैन फेब 2014 में एल्बम निकाली फिर उस एल्बम का भी कुछ मतलब आई थिंक इवन एट दैट पॉइंट इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हिप हॉप रेडी नहीं थी एंड थोड़ी बहुत ठीक है जो भी हुआ हुआ उसके बाद मेरा फॉल आउट हो गया थोड़ा लेबल के साथ बिकॉज बजट्स नहीं है ये नहीं है वो नहीं है एंड इट जस्ट कंटिन्यूड लाइक दैट एंड मेरे आई वेंट थ्रू अ फेस और फीलिंग के जब भी कुछ अच्छा होता है उसके साथ कुछ बुरा भी होता है यू नो बिकॉज हर बारी एक स्टेप फॉर्वर्ड दो स्टेप बैक हो रहा था ऐसे टाइम पे भी बिल्कुल यही चीज़ हुई कैसा मेरा देश पे ये हुआ फिर जब एल्बम आई तब भी ये हुआ मैं फंस गया कॉन्ट्रैक्ट में कुछ साल के लिए फिर जब टाइम आया जब मैं कॉन्ट्रैक्ट से छूट गया उसके ख़त्म हो गया एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे मेरा एक दोस्त आया उसने मेरे को बोला भाई लेबल चलाते हैं खोलते हैं खुद और मैंने उसको बोला यार इंडिया में लेबल कोई सेंस ही नहीं बनता एंड उसकी इंक्रेजमेंट थी दैट पुश्ड मी टू डू म्यूजिक अगेन अगर वो शायद नहीं होता तो शायद मैंने छोड़ दिया होता म्यूजिक कौन है मेरा एक दोस्त है जस्ट स्कूल का दोस्त है okay, मेरा सो okay. uh, so, ये हुआ एंड देन एट दैट पॉइंट आई स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक अगेन एंड आई मेड दिस सॉन्ग क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं तीन साल से कुछ गाने नहीं बनाया कोई मेरे को उस टाइम पे सो 2015 और 2017-18 के बीच ना एक बहुत बड़ा जेनरेशनल चेंज आ गया हिप हॉप में इंडिया में सडनली पीपल गॉट इनटू हिप हॉप और स्टार्टेड गेटिंग इनटू हिप हॉप और जो उसका जो पास था ना वो इरेज हो गया। और जो उससे पहले हुआ था इट बिकेम शॉर्ट ऑफ इरेवेंट आई वु नाउ इट्स रेलिवेंट बिकॉज पीपल लुक बैक बट उस टाइम पे रेलिवेंट हो गया था एंड विद डेट आई फेल्ट मैं भी रेलिवेंट हो गया था तो मैंने 2016 में एक गाना बनाया जिसका नाम था व्यंजन जिसमें मैं हमारे जो अल्फाबेट होते उससे पूरे स्टार्ट टू फिनिश राइम किया है मैंने जिसको इंग्लिश में 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 बोलते हैं गुस्से गुस्से गाना गाना बना नहीं में नहीं एक्चुअली बहुत पेशेंस से बनाया क्योंकि मेरे को तीन महीने लगे गाना बनाने में इंटेंशन क्या थी इंटेंशन थी कि जब मैं वापस आऊंगा तो हर बंदा देखेगा और बोलेगा ये कौन है द कम बैक हैजू बी वर्थ इट ओके परफॉर्मेंस दिखानी थी खुद कि मेरे को दिखाना था कि मेरे को पता था एट दैट पॉइंट अगर मैं वापस आके इफ आई डोंट स्टैंड आउट देन आई एल बी जस्ट एनी वन एल्स एंड वो किसी ने नहीं किया था और मेरे को लगता किसी ने नहीं किया था क्योंकि उसमें बहुत पेशेंस और टाइम और एफर्ट चाहिए था तो मैंने जब वो किया तो आई गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट एन एम ओ फर्म बिलीवर इन बिलीविंग इफ दैट मेक्स सेंस कि मेरे को जब लगता है कि इफ़ सम इफ देर इज एट एनी पॉइंट इन माई लाइफ इफ आई वॉन्टेड समथिंग बैड इनफ वो मुझे कहीं ना कहीं आगे जाके मिलता है तो आई फेड लाइक वो भी ऐसा ही एक पॉइंट था जो मेरे को पता था कि इससे ये होगा और इससे वो ही हुआ जो मेरे को चाहता था तो दैट इज देन दो टिपिंग पॉइंट था कि उसके बाद फिर मैं रैप थोड़ा रेगुलरली करने लगा एंड देन फिर वैसे ही हिप हॉप बढ़ने लग गया एंड देन अराउंड टू थाउजेंड लेट टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन थोड़ा सा बस बनने लग गया था गली बॉय आई मैं गली बॉय में भी था फॉर अ ब्रीफ सेकेंड बट फिर वहाँ से थोड़ा सा बस बनते बनते देन इट जस्ट कैरिड ऑन गली बॉय की वजह से कुछ अफेक्ट हुआ करियर मुझे नहीं लगता इतना हुआ टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है थोड़ा बहुत मे बी बट उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि आज मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई गली बॉय देखिए वो बोलेंगे हाँ मैं उनको बोलता अच्छा पता है मैं भी था उसमें बोलते क्या hmm. क्योंकि इट वॉज जस्ट फ्लीटिंग इट वजेंट है कल्चरल इम्पैक्ट ओके बट एट दैट हाँ बट रैप सीन के लिए रैप सीन के लिए बहुत सारी जनरल ऑडियंस देखने लग गई बट मुझे नहीं लगता कि अगेन मुझे लगता है कि उस मोमेंट इन टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी बट मुझे नहीं पता कि कितना वो ट्रांसेंड करके आज के टाइम में गली बॉय को कोई पीछे जाके देखता है और बोलता है कि अच्छा ये था वो पॉइंट जब हिप हॉप बड़ा हुआ इंडिया में okay. तो क्या हिप हॉप की ऑडियंस के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं ग्रेजुअली अभी हाँ हंड्रेड परसेंट कंटिन्यूसली हंड्रेड परसेंट गली बॉय का एक छोटा सा रोल था इस पूरे स्टोरी में हंड्रेड परसेंट okay. छोटा रोल था आई एम जस्ट सेइंग दैट मुझे नहीं पता कि इफ इट वाज अ बिग कल्चरल मूवमेंट कि ऐसा था कि पूरा ऑबवियसली हिप हॉप जो वो है इट वेंट टू द मासेस मगर कितने कन्वर्ट हुए टू एक्चुअली वाचिंग और पेइंग अटेंशन टू हिप हॉप आई एम नॉट श्योर दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए सीखते रहिए ग्रो करते रहिए अपरेस्ट टू क्यूरियोसिटी ऑन द रेमी शो